मुस्कुराने की आदत बना लें, मुस्कुराया करें। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो इरशाद फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी मुझे देखा मुस्कुरा कर देखा। हुज़ूर हमेशा मुस्कुराते थे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीनतुल मुनव्वरा में जा रहे हैं, अचानक एक बेडविन, एक अराबी बद्दू आता है, बड़ी तेज़ी के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे से आता है, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अचानक झटका देकर आगे आता है, बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ आगे आता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त एक नजरानी चादर ओढ़ रखी थी, और चूँकि बहुत तेज़ी से आगे आता है तो उसके हाथ में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर आ जाती है, और अपना हाथ चादर से दूर करने के लिए झटका देता है, जिसकी वजह से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर उस चादर की रगड़ का निशान बन जाता है। अब वो फौरन बड़ी तेज़ी से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आता है, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आता है। गौर कीजिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम पीरों के पीर हैं। आज दौरे हाजिर का कोई पीर, आप गौर करें, कोई मुरीद मौजूद हो और कोई पीर के सामने यूँ आए, और हो भी कोई अराबी बेडविन हो, तो वो मुरीद उस शख्स का क्या हशर करेंगे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो मेरे आका के मुरीद हैं बराह रास्त, उनका अखलाक देखिए। फौरन आका के सामने आ जाता है, बद्दू है, और इस तेज़ी से आता है गोया कि किसी ने कोई हमला कर दिया है, कोई दुश्मनों ने हमला कर दिया है, या कोई बड़ी इमरजेंसी हो गई है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आता है, आके एक बात कहता है, या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह भी नहीं कहता, है अल्लाह के हबीब भी नहीं कहता, कहता या मोहम्मद, है मोहम्मद, अल्लाह ने जो तुझे दिया है उसमें से मुझे दे, अल्लाह ने जो तुझे दिया है उसमें से मुझे दे। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द अमल क्या है, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिएक्शन क्या है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने यूं बात की, ऐसे तलख लहजे में बात की, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबू पर तबस्सुम की सजावट नजर आई, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, जो मांगता है इसे दे दो, जो मांगता है इसे अता कर दो। ये रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक है। मेरे आका हमेशा मुस्कुराते रहे, और मुस्कुराने का फ़ायदा क्या है, मुस्कुराने के हवाले से साइकोलॉजिस्ट ने भी बहुत कुछ लिखा है, इमोशनल हेल्थ के माहरीन ने भी बहुत कुछ लिखा है, और ये तो मेरे आका हम तो मानते हैं, लेकिन वो जो नहीं मानते उनके लिए, अमेरिकन यूनिवर्सिटी, अमेरिका की एक मारूफ यूनिवर्सिटी कैंसस यूनिवर्सिटी में एक तहकीक की गई और एक स्टडी की गई, जिसमें उन्होंने मिड वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में उन्होंने 170 पार्टिसिपेंट्स को बिठाया, उनको बिठाकर उनके मुंह में चॉपस्टिक्स रख दिए ताकि मस्नूई मुस्कुराहट पैदा हो, मुंह में उनको यूँ रखा कि उनके मुंह पर एक मस्नूई आर्टिफिशियल मुस्कुराहट पैदा हो, और ये मुशाहदा किया कि उनके हार्ट रेट्स को देखें और उनके स्ट्रेस लेवल्स को मॉनिटर किया जाए, और देखा जाए कि क्या मुस्कुराना उनके दिल पर कुछ असरात मुरतब कर रहा है या नहीं कर रहा। वो कहते हैं 170 पार्टिसिपेंट्स को देखा और उनको मुस्कुराने पर मजबूर किया, यूँ उनके मुंह को ऐसे कर दिया कि वो मस्नूई मुस्कुराहट, दिल में कोई खुशी नहीं है लेकिन मस्नूई मुस्कुराहट पैदा की, कि मस्नूई मुस्कुराहट के भी क्या कुछ दिल पर असरात मुरतब होते हैं या नहीं होते। वो कहते हैं हैरत अंगेज़ नतीजा हमने अखज़ किया, हमने उनके हार्ट रेट्स को और उनके स्ट्रेस लेवल्स को मेजर करते हुए देखा, और ये डिस्कवरी की कि जिस तरह जब इंसान खुश होता है ना, तो खुश होना इंसान को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है, इंसान जब खुश होता है तो खुशी इंसान को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। कहा कि इसका ऑपोजिट इफेक्ट भी है, एक तो जब इंसान खुश होता है तो खुशी की अलामत क्या है, खुशी इंसान को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। कहा एन इसी तरह जिस तरह खुशी इंसान को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है, कहा अगर इंसान गमगीन हो परेशान हो मुस्कुराना शुरू कर दे, मुस्कुराना इंसान को खुश होने पर मजबूर कर देता है, मुस्कुराना इंसान को खुश कर देता है। आप कहीं जा रहे हैं, किसी गाड़ी में आप सफ़र कर रहे हैं, ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, और आप के आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इज़्तिहाम और हुजूम की वजह से अचानक हमारे जहन, वैसे ही हम मुँह हमारे मुँह पर 12 बजे होते हैं बिला वजह, वैसे ही गुस्सा करते हैं, हालांकि गुस्से की कोई वजह भी नहीं होती। लेकिन रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है, मुस्कुराना सीख लीजिए। आप गाड़ी में जा रहे हैं, देखिए आप देखते हैं कि गाड़ी में इज़्तिहाम की वजह से आप कहते हैं किस तरह काम पर पहुंचूंगा, जल्दी पहुंचूं, जल्दी ये रश खत्म हो, तो आप थोड़ी देर के लिए बजाय इसके कि आपके चेहरे पर गुस्से के अलामात नुमाया हूँ, थोड़ी देर के लिए मुस्कुराएं, वो मुस्कुराहट आपके दिल में खुशी पैदा कर देगी, आपको खुश कर देगी। इस हवाले से 6 बेनिफिट्स साइकोलॉजिकल साइंसिस के माहरीन ने लिखे हैं
कि 6 फवायद हैं मुस्कुराने के। पहला फ़ायदा ये है, मुस्कुराहट का पहला फ़ायदा ये है कि मुस्कुराना आपके मूड को बदल देगा। मुस्कुराने की आदत बनाएं, खुशी हो ना हो मुस्कुराएं, मुस्कुराना आपके मूड को बदल देगा। आपका मूड ख़राब है, मुस्कुराएं, आपका मूड बदल जाएगा। मुस्कुराने का दूसरा फ़ायदा ये है कि मुस्कुराना ना फ़कत आपको खुश करता है, बल्कि वो लोग जो आपके दोस्त हैं, वो जो आपके करीब हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके चाहने वाले हैं, मुस्कुराना जिस तरह आपके दिल में खुशी पैदा करता है, इसी तरह आपके दोस्तों को भी खुश कर देता है। यानी एक मुतमईन कल्ब रखने वाला शख्स जब मुस्कुराता है ना, तो वो खुद नहीं मुस्कुराता, जब वो मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कुराहट से पूरा माहौल मुस्कुराना शुरू कर देता है। इसीलिए मैं कहता हूँ स्माइलिंग इज़ कंटेजियस, ये एक मुतअद्दी चीज़ है, ये एक इंसान तक महदूद नहीं रहती। ये इंसान जो मुस्कुराता है तो ये दूसरों को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है, खुद वो खुश रहता है, दूसरों को भी खुश करता है। मुस्कुराने का तीसरा फ़ायदा क्या है, इसके बेनिफिट्स समाप्त फरमा लें। स्माइलिंग बूस्ट्स योर इम्यून सिस्टम, मुस्कुराहट के जरिए आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। मुस्कुराहट आपकी बीमारियों से भी मुकाबला करती है, जो शख्स मुस्कुराता रहता है वो कम बीमारियों में मुबतला होता है। और इसके अलावा स्माइलिंग लोवर्स योर ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर कम कर देता है। आपके पास अगर ब्लड प्रेशर की मशीन है उसको मॉनिटर करने के लिए, तो आप आज घर जाकर ये तज़िया कर लें, देख लें, मुशाहदा कर लें। आप थोड़ी देर के लिए घर जाएं, बैठें, थोड़ी देर के लिए बैठकर अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें, एक मिनट के लिए फ़कत मस्नूई मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा लें, एक मिनट के लिए मुस्कुराएं, और मुस्कुराने के बाद फिर ब्लड प्रेशर चेक करें, फ़र्क आपको वाज़े नज़र आ जाएगा। मुस्कुराहट आपके दिल में खुशी पैदा करती है, मुस्कुराने की आदत बना लीजिए। इसके अलावा स्टडीज हैव शोन दैट स्माइलिंग रिलीजेस एंडोर्फिन्स, नेचुरल पेन किलर्स एंड सेरोटोनिन, ये वो चीज़ें हैं। नेचुरल पेन किलर्स, यहाँ पे फार्मेसी के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, लेक्चरर्स बैठे हुए हैं, ये जानते हैं कि ये क्या है। एंडोर्फिन्स दे इंट्रैक्ट विद द ओपिएट रिसेप्टर्स इन द ब्रेन टू रिड्यूस आवर परसेप्शन ऑफ पेन, हमारे परसेप्शन ऑफ पेन का मुकाबला करते हैं। और ये दे एक्ट सिमिलरली टू ड्रग्स सच एज मोर्फिन एंड कोडिन, यानी इंसान जब मुस्कुराता है तो मुस्कुराहट उसके अंदर से एंडोर्फिन्स को रिलीज करती है, और जब ये एंडोर्फिन्स इंसान के जिस्म के अंदर से रिलीज होते हैं तो इनका फ़ायदा ये होता है कि इंसान के दर्द के परसेप्शन को ख़त्म कर देते हैं, एहसास दर्द का खात्मा कर देते हैं। हम टैबलेट्स लेते हैं ना, ड्रग्स लेते हैं ताकि दर्द ख़त्म हो, मोर्फिन लेते हैं, कोडिन लेते हैं, तो मुस्कुराना ले लें, हुजूर की सुन्नत ले लें, मुस्कुराने की आदत बना लें। मुस्कुराना आपके अंदर से कुछ ऐसी ताकतें रिलीज करेगा जो आपके दर्द को ख़त्म कर देंगी और एहसास दर्द को ख़त्म कर देंगी। और इसके अलावा मुस्कुराने का एक और फ़ायदा भी है, और इसके अलावा डिप्रेशन का मुकाबला, क्योंकि ये जो है ना, ये सेरोटोनिन, अल्टरेशंस इन सेरोटोनिन लेवल्स इन द ब्रेन, दे मे अफेक्ट मूड, सम एंटी डिप्रेशन मेडिकेशंस अफेक्ट द एक्शन ऑफ सेरोटोनिन, आई दे आर यूज्ड टू ट्रीट डिप्रेशन। ये जो एक ताकत इंसान के अंदर से निकलती है, ये क्या करती है, इसके लेवल्स में जो तब्दीली पैदा होती है, ये डिप्रेशन का मुकाबला करती है। एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन लेने के अलावा आप यूं कर लें, मुस्कुराने की आदत बना लें, मुस्कुराना आपको खुश कर देगा, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। मुस्कुराने की आदत, ज़रा मुस्कुराएं, थोड़ा सा तो मुस्कुराएं, इतना कुछ मुस्कुराने के लिए हवाले से कहा है, मुस्कुराएं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुस्कुराना सुन्नत है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, तबस्सुमुका फी वजही अखीका लकसदका। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तेरा किसी को देखकर मुस्कुराना, तेरा किसी दोस्त को, अपने भाई को देखकर मुस्कुराना तेरे लिए सदका है। ये मुस्कुराहट एक सदका है, क्योंकि जिस तरह किसी को आप सदका देते हैं, वो भूखा है, उसकी भूख मिटाकर उसकी परेशानी दूर करते हैं ना, परेशानी दूर करते हैं, वो खुश हो जाएगा। तो भूख मिटाकर खाना देकर किसी को इंसान खुशी करता है, इसी तरह जब इंसान मुस्कुराता है तो आपका मुस्कुराना उसको खुश करेगा, ये भी सदका है, क्योंकि खुशी ही तो बांटनी है। और फिर मुस्कुराने का छठा बेनिफिट, स्माइलिंग लिफ्ट्स योर फेस एंड मेक्स यू लुक यंगर। आपके ये जो मसल्स हैं ना मुस्कुराहट के साथ, जिस्म के चेहरे के मसल्स ऐसे इंगेज होते हैं, आपका फेस लिफ्ट होता है, एंड यू अपीयर यंगर, आप यंग लगते हैं। मुस्कुराहट की ये फ़ायदे हैं, तो आदत बना लें आज के बाद। आज के बाद खुश रहना चाहते हैं, दिल में कोई खुशी हो ना हो, मस्नूई मुस्कुराहट भी चेहरे पर सजा लें, इंशाल्लाह उस मुस्कुराहट की बरकत से आप देखेंगे दिल में खुशी पैदा होगी।
اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ہر وقت مسکراتے رہیں، ہر وقت لبوں پر مسکراہٹ کی سجاوٹ ہو، تبسم کی سجاوٹ ہو۔